नमस्कार, डेली व्यू मराठी बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. नमस्कार, सम्मान्य वास्तविक तथा देवी और सज्जनों, अब आप मोदी जी के सुनने के लिए थोड़ी देर शांत रहिए. सज्जनों, एक लंबे अरसे के बाद अब आस जगी है. आजादी के बाद खुद से लड़ने की अब बात चली है. अपनी गलतियों को सुधारने की अब बात चली है. अपनी क्षमता को पहचान देशभक्ति की जोत जलाकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अब बात चली है. एक नरेंद्र ने 150 साल पहले भारत को जगाया था, एक नरेंद्र ने फिर से देश को झकझोरा है. मैं श्री रमेश देशपांडे जी को माइक सौंपती हूँ. भारत माता की. हमारा देश छोटे किसानों का देश है. कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम छोटे किसानों की संगठन शक्ति को एकजुट करें. इसलिए बीजेपी एनडीए सरकार, एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव, तीनों पर बल दे रहा है. बीजेपी सरकार में देश भर में 8000 नए किसान उत्पादक संघ बने हैं, एफपीओस बने हैं. ये एफपीओस इनपुट कॉस्ट कम करने से लेकर किसानों को मार्केट रेट दिलाने तक में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई है. इन्हें केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है. केंद्र सरकार टैक्स को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम कर रही है. सरकार 60,000 से ज्यादा पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का काम भी पूरा करने में जुटी है. एनडीए सरकार शुगर कोऑपरेटिव्स को भी बढ़ावा दे रही है. बीजेपी सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर गन्ना किसानों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान की है. इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गन्ना किसानों को 70,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा उनको कमाई हुई है. चीनी मिलों पर बकाया होने की उनकी समस्या भी अब दूर हो रही है. लेकिन साथियों, यहां कांग्रेस ने फार्मर्स के साथ जो विश्वासघात किया है वो तो बहुत बड़ा पाप है. यहां जब बीजेपी की सरकार थी तो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा होते थे. कांग्रेस की सरकार ने आते ही 4,000 रुपया देना बंद कर दिया. अब वोट मिल गया, अब किसान जाने, किसान का काम जाने, उनको परवाह ही नहीं है. अब मोदी जो 6,000 रुपया भेजता है वही किसान को जाता है, यहां के पैसे उन्होंने काट लिए. और पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे. ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है जो दिल्ली से भेजा जाता है वो चालू रहेगा.
साथियों, आपका ये सेवक गांव, किसान, नौजवान, नारी शक्ति को सशक्त करके आपकी संपत्ति बढ़ाने में जुटा है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के शहजादे आजकल घोषणा कर रहे हैं और भाई बहन दोनों कर रहे हैं कि वो चुनाव अगर जीत गए तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे किया जाएगा, बैंक के लॉकर का एक्सरे किया जाएगा, आपकी जमीन कितनी है एक्सरे होगा, आपके पास गाड़ी कितनी है, स्कूटर कितने हैं, साइकिल कितनी है, इसका एक्सरे होगा, महिलाओं के पास स्त्री धन कितना है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, मंगलसूत्र कहां पड़ा है, इसका एक्सरे किया जाएगा। यानी ये लोग हर घर में छापा मारकर आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के बाद कांग्रेस इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रही है, अपने पसंदीदा वोट बैंक को देना चाहती है। क्या आप अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति को लूटने देंगे? आपने बचाया हुआ सोना चांदी लूटने देंगे? क्या आपके मंगलसूत्र पर किसी को हाथ लगाने देंगे? कोई पंजा आपकी संपत्ति लूट सकता है क्या? मैं कांग्रेस को अलर्ट करना चाहता हूं, ये मनसूबे छोड़ दीजिए। जब तक मोदी जिंदा है, ये आपके मनसूबे में पार नहीं होने दूंगा, ये आपके खेल साथियों। इस चुनाव में कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स का एक नया फॉर्मूला निकाला, ये बड़ा भयंकर है, आपकी नींद उड़ जाएगी। उन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो ऐसा कानून लाएंगे कि आप जो अपने बच्चों के लिए बचाते हैं, आपने मेहनत करके कमाया, खुद ने खर्चा नहीं किया, मौज नहीं किया, थोड़ा 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 पैसा जमा किया और मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ दे करके जाऊं, छोटा सा घर दे करके जाऊं, कुछ पैसे दे करके जाऊं, ताकि बच्चों को मेरे मरने के बाद किसी के पास जाना ना पड़े। हर माँ बाप ऐसा चाहता है कि नहीं चाहता है? हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ कुछ देना चाहता है कि नहीं देना चाहता? और इसलिए हर माँ बाप कुछ बचत करके रखता है कि नहीं रखता है? अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं आपने जो बचाया है अगर आप अपने बच्चों को अब नहीं दे सकते हैं, आपने जो बचाया है अगर बच्चों को देना है तो 55% उस पर टैक्स लेकर के सरकार वो छीन लेगी। मतलब दो मकान है तो एक कांग्रेस की सरकार की जेब में और दूसरे से अपने दो बच्चों को बांट के दो। अपनी वोट बैंक को बांटने के लिए ये आपकी संपत्ति पर डाका डालना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उनको ने घोषणा की है कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका है, उनकी वोट बैंक का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कह चुके हैं।
मैं कर्नाटका के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा होने देंगे, ऐसा कानून लाने वालों को आने देंगे, ऐसी सोच वाली कांग्रेस को सजा देंगे, इस चुनाव में हर बूथ में उनको चुन चुन कर साफ करेंगे? भाइयों और बहनों, बीजेपी कित्तूर रानी चेन्नम्मा से प्रेरणा लेती है, इसलिए एनडीए सरकार ने सेना के हर मोर्चों को महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। बेलगांव में तो संगोली रायन्ना सैनिक स्कूल भी बना है, हमारी बेटियां भी अब सैनिक स्कूलों में पढ़ पा रही है। बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में महिलाओं की संख्या अब दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। साथियों, आपका सपना, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। सपना ये मेरा संकल्प है और आपका सपना साकार करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047, ये मोदी का वादा है।